बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द बायो जियो केमिकल साइकिल्स। इससे रिलेटेड है बायो जियो केमिकल साइकिल्स। व्हाट इज मीन बाय बायो जियो केमिकल साइकिल? द वर्ड बायो जियो केमिकल साइकिल बेसिकली कंप्राइजेज थ्री टर्मिनोलॉजीज, द वर्ड बायो जियो एंड केमिकल। कितने टर्मिनोलॉजीज हैं इसमें? एक्चुअली दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्मिनोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मीन अर्थ, और केमिकल का मतलब यहाँ पे हमने लेने हैं एलिमेंट्स। क्या चीजें लेनी है हमने? एलिमेंट्स बेटे। तो इसका मतलब हमारे पास अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी करें बेटा, क्या स्टडी करें? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो कौन सा कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट का? अगर अर्थ की स्टडी करें तो वो कौन सा कंपोनेंट है? एबायोटिक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बायोटिक कंपोनेंट है ये लिविंग है, और एबायोटिक कंपोनेंट क्या है? नॉन लिविंग है। लिविंग और नॉन लिविंग की बातें कर रहे हैं, और साथ में डिस्कस किसको कर रहे हैं? एलिमेंट्स को, केमिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। क्या हमने दुनिया जहान के सारे केमिकल्स पढ़ने हैं? नहीं, हमने तो सिर्फ कौन से पढ़ने हैं? बायो एलिमेंट्स डिस्कस करने हैं। क्या डिस्कस करने हैं? बायो एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं चीजें बायो जियो केमिकल साइकिल्स, जो हम साइक्लिक पाथवेज बनाने जा रहे हैं, जो साइकिल बनाने जा रहे हैं, उसमें हम यही पढ़ेंगे कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स, जो भी हमारे पास महदूद जो मिकदार है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, आर सर्कुलेटेड एंड रीसर्कुलेटेड। सर्कुलेटेड एंड घूमते रहते हैं कहां से कहां? फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग, फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग, एंड फ्रॉम नॉन लिविंग टू बैक टू द लिविंग। यानी लिविंग से नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग से लिविंग में। जब एलिमेंट सर्कुलेट होंगे, सर्कुलेट होंगे, घूमते हैं या फिर दोबारा सर्कुलेट होते हैं, सर्कुलेटेड एंड रीसर्कुलेटेड, फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग टू लिविंग, दिस इज कॉल्ड बायो जियो केमिकल साइकिल। दिस इज कॉल्ड ऐसा साइकिल जिसमें एलिमेंट्स जिंदा जानदारों से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से कहां जाते हैं? नॉन लिविंग में, और नॉन लिविंग से कहां जाते हैं? लिविंग में जाते हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल का नाम देते हैं। और बायो जियो केमिकल साइकिल का दूसरा नाम क्या होता है बेटे? न्यूट्रिएंट साइकिल। इनका दूसरा नाम क्या होता है? न्यूट्रिएंट साइकिल। दूसरा नाम इनका क्या है? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को हम रिसाइकल कर रहे हैं बार बार, लिविंग से नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग से लिविंग में जा रहे हैं, तो इसलिए हम इनका नाम रख देते हैं। ये क्या है? न्यूट्रिएंट साइकिल है। ये क्या है? न्यूट्रिएंट साइकिल। यहां तक बात समझ आ गई? अब हमारे पास एग्जांपल्स क्या है बायो जियो केमिकल साइकिल्स, हम एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास दो बड़े बड़े साइकिल है, एक कार्बन का साइकिल है हमारी बुक में, और दूसरा हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल है। दूसरा क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन साइकिल है। कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो पहला साइकिल जो हमारे पास कार्बन साइकिल है वो हम डिस्कस करते हैं कि कार्बन साइकिल आपके पास बेटे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट इज कार्बन साइकिल? व्हाट इज कार्बन? तो कार्बन साइकिल की डेफिनेशन यही बनेगी कि जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बन है हमारे पास, उसको हम लिविंग से नॉन लिविंग में भेजेंगे, नॉन लिविंग से लिविंग। जब हम एनवायरमेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो कौन सा कंपोनेंट हम डिस्कस कर रहे होंगे, लिविंग या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। यानी कार्बन एनवायरमेंट में है तो किसमें है? नॉन लिविंग में। एनवायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चली गई, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से दोबारा नॉन लिविंग में, यानी एनवायरमेंट से लिविंग में, लिविंग से दोबारा एनवायरमेंट में। तो इस पूरे साइकिल का नाम क्या बन जाएगा? कार्बन साइकिल। क्या बन जाएगा? कार्बन साइकिल। हम कहते हैं लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बन सर्कुलेटेड एंड रीसर्कुलेटेड फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग, नॉन लिविंग टू लिविंग। जो डेफिनेशन बायोजियो केमिकल साइकिल की है वही डेफिनेशन किसकी बनेगी? लेकिन जहां आपने एलिमेंट का वर्ड लिखा होगा वहां किसका लिखोगे? कार्बन का। वही किसकी बनेगी? नाइट्रोजन साइकिल की। जहां कार्बन लिखेंगे वहां लफ्ज क्या लिख देंगे? नाइट्रोजन लिख देंगे। तो वो साइकिल किसका बन जाएगा? नाइट्रोजन साइकिल बन जाएगा, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ द कार्बन इन दिस यूनिवर्स, सोर्सेज ऑफ कार्बन, कि कार्बन के कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे पास, कौन कौन से जखायर हैं हमारे पास, कार्बन किस फॉर्म में अवेलेबल है इन एनवायरमेंट, इन एबायोटिक कंपोनेंट। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं कि कार्बन किस फॉर्म में। जी बेटे बताएं शाबाश, किस फॉर्म में? प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन। व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन? कोल है। क्या है हमारे पास? कोयला है, कार्बन है। इसके अलावा डायमंड है, इसके अलावा ग्रेफाइट है। ये वो सारी की सारी कार्बन है बेटे जो प्योर फॉर्म में है, सिर्फ कार्बन।
सिर्फ कार्बन और कोई साथ में एलिमेंट नहीं है, और साथ में कोई एलिमेंट नहीं, नहीं। लेकिन अगर अब हम इनका कॉम्बिनेशन डिस्कस करें, हमारे एनवायरनमेंट में देखें कि कार्बन किस फॉर्म में है, तो हम कहते हैं एनवायरनमेंट में कार्बन किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन मोस्टली हमारे पास जो गैस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में अवेलेबल है एनवायरनमेंट में। ओके, इसके अलावा और कौन कौन से एलिमेंट्स के अंदर होती है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जितने भी बेटे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो सब के सब, उन सब में क्या चीज है? कार्बन है। वुड है, उसमें क्या है? कार्बन है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उसमें क्या है? कार्बन है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बनते ही उसके हैं, हाइड्रोकार्बन के, कार्बन भी हो और साथ में हाइड्रोजन भी हो। लेकिन अब हमने ये देखना है कि हमारे जो कार्बन साइकिल है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के काम आनी है कार्बन, वो कौन सी होनी है? आइदर वो कोल है, या वो हमारे पास डायमंड है, या वो ग्रेफाइट है, कौन सी है? तो उसमें हम कहते हैं हमारे पास क्या है बेटे? CO2 है। हमारे पास क्या है? CO2 है। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा, उसको हम लेके आएंगे। अभी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हम कहते हैं हमारे एनवायरमेंट में है। किसमें है? एनवायरमेंट में है, हमारे माहौल में। लिविंग है, नॉन लिविंग है? अभी ये कार्बन नॉन लिविंग कंपोनेंट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अब हम नॉन लिविंग से लिविंग में लाना चाह रहे हैं, नॉन लिविंग से, यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक। कैसा कंपाउंड है ये? क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन नहीं, तो हमें पता है ये इनऑर्गेनिक है। तो इनऑर्गेनिक से हम एनवायरमेंट से किसमें लाना चाह रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लाना चाह रहे हैं। किसमें लाना चाह रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो बेटा एक ऐसा प्रोसेस है हमारे पास जिसके जरिए हम एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को जिंदा जानदारों की बॉडी में कन्वर्ट कर देते हैं। उस प्रोसेस का नाम बेटे फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। यानी हमारे पास दो बड़ी बड़ी हेडिंग्स बनेंगी, कन्वर्जन ऑफ कार्बन कहां से कहां लेके जा रहे हैं हम, एनवायरमेंट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसके अंदर एक्सप्लेन किसे करेंगे? फोटोसिंथेसिस। बेटे फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसके अंदर जितने भी फोटोसिंथेसिस करने वाले जानदार हैं, प्लांट्स हैं, एलजी वगैरह हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, ये सारे के सारे हवा से क्या लेते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेते हैं? हवा से। और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्लूकोज क्या है? अब ग्लूकोज प्लांट की बॉडी में होता नहीं होता, इसका मतलब हमने एनवायरनमेंट से कार्बन ली और किस में डाल दी? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन थे? प्लांट्स। कौन थे? तो हमने कार्बन को कहां से कहां पहुंचा दिया? नॉन लिविंग से लिविंग में, नॉन लिविंग से लिविंग में पहुंचा दिया। अब वो कहता है जरा देखें, हम चाहते हैं साइकिल पूरा हो जाए, अभी तो हाफ साइकिल हुआ है ना। अब इस लिविंग ऑर्गेनिज्म से वापस कहां जाए? नॉन लिविंग में, एनवायरनमेंट में वापस चली जाए। तो वो कहता है ग्लूकोज की हम रेस्पिरेशन करते हैं बेटा, ग्लूकोज की। आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना, द रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज होता है, उसकी ब्रेकडाउन करते हैं हम। जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो वापस क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब हमारे पास एक अमल फोटोसिंथेसिस और दूसरा कौन सा है? रेस्पिरेशन। ये दो बड़े बड़े अहम प्रोसेस है कार्बन साइकिल के अंदर, जो कार्बन को नॉन लिविंग से कहां लेके आए पहले, फिर लिविंग से नॉन लिविंग में कौन लेके गया? रेस्पिरेशन। अब वो कहते हैं क्या सिर्फ रेस्पिरेशन ही हमारे पास ग्लूकोज को जो है ना वो CO2 में कन्वर्ट कर सकती है? इसके अलावा जब हमने कहा कि प्लांट ने अपनी ग्रोथ कर ली, प्लांट ने अपनी, उसने तो अपने बॉडी पार्ट्स बना लिए, उसने तो अपने बॉडी पार्ट्स, जब प्लांट ने अपने बॉडी पार्ट्स बनवा लिए तो क्या फिर वो प्लांट के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी वापस कार्बन डाइऑक्साइड में या कार्बन में कन्वर्ट हो सकते हैं? सोचिए जरा। यस, हो सकते हैं। क्यों? प्लांट एक वुड है। प्लांट क्या है? वुड है। अगर हम उस लकड़ी को जलाएं, लकड़ी को आपने पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, एवरी कंबस्शन इज एन ऑक्सीडेशन, पढ़ा हुआ है ना आपने ये, एवरी कंबस्शन इज एन ऑक्सीडेशन। तो जब भी हमारे पास किसी भी चीज की ऑक्सीडेशन होगी तो उसका ऑक्साइड बन जाएगा, किसी भी चीज की ऑक्सीडेशन होगी तो oxide. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली कौन होता है? कार्बन। तो वो कार्बन का क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जलाएंगे तो वो कार्बन का क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। तो कार्बन का ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो मोस्टली क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कहते हैं ये या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन हो जाए तो, या अगर हमारे पास डेड ऑर्गेनिक मैटर है
या प्लांट्स हैं, हम उनकी बर्निंग करते हैं, हम उनकी उनको जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो उसमें से भी कौन सी गैस बनती है? तो पहले वो नॉन लिविंग लिविंग में थी, तो वहाँ कहाँ, वहाँ से कहाँ चली गई? नॉन लिविंग. तो कहते हैं जो कार्बन साइकिल है ना बेटा, दैट इज़ अ परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल. दैट इज़ अ के मयर्ड क्वांटिटी, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के जरिए ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, उतना ही ग्लूकोज वापस टूट के क्या आएगा? CO2 आएगी. जितनी फोटोसिंथेसिस होगी उतनी ही बराबर बराबर कहानी होगी. लेकिन कहते हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारी सरगर्मियों की वजह से जो कार्बन साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गया. कार्बन साइकिल फोटोसिंथेसिस कौन करता है? प्लांट्स करते हैं. तो हमने बेटे प्लांट्स की क्या कर दी? डीफॉरेस्टेशन कर दी. क्या कर दी? तो फोटोसिंथेसिस हो रही है अब ज्यादा या नहीं हो रही? इसका मतलब जो नॉन लिविंग से लिविंग में आने वाला खाता है वो कम हो गया. ऐसा ही है ना कि अब हमारे पास ऑर्गेनिक कार्बन नहीं आ रही, कम हो गई मिकदार उसकी. अच्छा, रेस्पिरेशन कौन करता है? सारे ऑर्गेनिज्म करते हैं. तो इसका मतलब रेस्पिरेशन में कमी, रेस्पिरेशन में तो उल्टा क्या हो रहा है? इजाफा, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहे हैं, आबादी भी. तो हमारे पास रेस्पिरेशन में, इधर फोटोसिंथेसिस में, इधर रेस्पिरेशन में. तो इसका मतलब जो हमारे पास लिविंग कंटेंट की कार्बन थी किधर चली गई? तो कौन सी गैस एनवायरनमेंट में ज्यादा हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड. कौन सी गैस ज्यादा हो गई? तो हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ, जैसे ओजोन काम करती है वैसे कौन काम करता है? कार्बन डाइऑक्साइड काम करती है. वैसे कौन काम करता है? और हमारे माहौल को पोल्यूट करती है, नहीं करती? करती है. ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है. जितने भी आपने ये पढ़े एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, उसमें सारे के सारे क्या थे? किसके इफेक्ट्स थे? कार्बन डाइऑक्साइड के थे. बात समझ आ गई बेटे? तो अगर कार्बन साइकिल लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले कार्बन के सोर्सेज लिखेंगे, फिर देखेंगे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन किस फॉर्म में है. ये लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का है. जो कोल या डायमंड या ग्रेफाइट की कार्बन है, इसको हम फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं कर सकते. हमें तो गैशियस फॉर्म में क्या चाहिए होगी? तो जो हमारे माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको नॉन लिविंग से कहाँ लाएंगे और फिर लिविंग से कहाँ ले जाएंगे? क्या बैलेंस चल रहा है अभी तक? दो डिस्टर्ब कर दिया हमने. तो ये हमारे पास पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा. रीडिंग कर लेते हैं बेटा. पेज नंबर है हमारे पास 119. सबसे पहले बायोजियोकेमिकल की डेफिनेशन है बेटे. वी नो दैट एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. हर जिंदा जानदार के लिए एनवायरनमेंट जो है वो चीज़ों का सोर्स है, जरिया है. एनवायरनमेंट प्रोवाइड बायो एलिमेंट्स. हमारा माहौल हमें क्या मुहैया करता है? आपको मैंने बताया था कि हमने जब पुरानी आयत पढ़ी थी एक 9th class में, कि अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया, इंसान को मट्टी से. वहाँ पे मैंने आपको बताया था जब हम नहाते हैं हम तो धुलते तो है नहीं, अगर मट्टी से हो तो हम तो धुल जाए, नाली में बह जाए हम. जी हमने पढ़ा था बेटा, वो तमाम एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी में हैं वो किस में भी होते हैं? मट्टी में भी होते हैं. मट्टी में होते हैं तो पौधों में आते हैं, पौधों में होते हैं तो किस में आते हैं? हमारे अंदर आते हैं. बात समझ आ रही है? इसीलिए हम कहते हैं कि हम किससे बने हैं? मट्टी से बने. तो वी नो दैट, ये बात हो गई कि एनवायरनमेंट प्रोवाइड बायो एलिमेंट्स विच आर यूज बाय द ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर बॉडीज एंड मेटाबॉलिज्म. द मटेरियल आर कॉन्टिन्यूसली रिसाइकल बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल आर द साइक्लिक पाथवेज. कैसे पाथवेज है बेटा? थ्रू विच मटेरियल मूव फ्रॉम एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू द एनवायरनमेंट. उसके बाद हमारे पास साइड बॉक्स देखें. सिंस सच मूवमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ, इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ, दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल. उसके बाद बेटे कार्बन साइकिल स्टार्ट हो गया. कार्बन एटम, अच्छा ये बात तो रह गई, हमारी बॉडी बनाने के लिए क्या चाहिए? हमारी बॉडी बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स. ये सारे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं. तो कहते हैं ऑल वुड इज जाइलम. पढ़ा था ना आपने, लकड़ी जो है जाइलम है. और जाइलम किस चीज़ से? जाइलम के अंदर जो भी सेल्स हैं, जाइलम वेसल्स होती हैं, तो जाइलम सेल्स हैं. तो सेल्स हैं उनके सारे के सारे स्ट्रक्चर पड़े आपने. सेल वॉल, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनती है, सेलुलोज होता है उसके अंदर, ये सारी चीजें आपने पढ़ी. तो ये सब के सब क्या थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्या थे? ऑर्गेनिक. इसका मतलब हमारी पूरी की पूरी बॉडी ऑर्गेनिक इन नेचर है. कैसी है? ऑर्गेनिक. प्लांट्स ऑर्गेनिक. हर जिंदा जानदार की बॉडी क्या है? ऑर्गेनिक. उसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन मेजर स्केलेटन जो बनता है कौन बनाता है? तो ये बता रहा है कि कार्बन एटम इज अ प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मेनी काइंड ऑफ द बायो एलिमेंट्स. कार्बन इज फाउंड इन द ग्रेफाइट डायमंड इन नेचर. इट ऑल्सो अकर्स एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द मेजर सोर्सेज ऑफ द कार्बन फॉर द लिविंग वर्ल्ड इज कार्बन प्रेजेंट इन द
एंड इन वाटर. जो पौधे पानी में रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे? जो पानी में डिजोल्व हो जाएगी. जो कहाँ डिजोल्व हो जाएगी? फॉसिल फ्यूल लाइक पीट, कोल, नेचुरल गैस एंड द पेट्रोलियम आल्सो कंटेन कार्बन कार्बोनेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. बेटे सोडियम कार्बोनेट सी एन ए टू सी ओ थ्री. तो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं एन ए टू सी ओ थ्री एन ए टू सी ओ थ्री, बेटे ये कार्बोनेट बन गया सोडियम का, तो इसमें भी कार्बन है. तो जितना भी मार्बल आपको पता है ना मार्बल का, तो ये कैल्शियम के जितने भी स्टोन हैं सब के सब. कार्बोनेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट आल्सो गिव राइज टू द कार्बन डाइऑक्साइड. साइड बॉक्स देखते जाए. कार्बन साइकिल इज अ परफेक्ट साइकिल इन द सेंस दैट कार्बन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर एज सून एज इट इज. जितनी आती है उतनी, लेकिन अब ज्यादा जा रही है. नेक्स्ट पेज पे बेटे द मेजर प्रोसेस दैट ब्रिंग्स द कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर और द वाटर इनटू द लिविंग वर्ल्ड इज प्रोड्यूसर्स टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू. फिर जब प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स खाते हैं कार्निवोर्स खाते हैं तो इस तरह वो कार्बन आगे चली जाती है पूरी फूड चेन में. इन दिस वे कार्बन बिकम्स द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ दिस. कार्बन एंटर्स द फूड चेन एंड पासिस टू द हर्बीवोर्स कार्निवोर्स एंड देन. चले अब वापस भेज रहे हैं हम. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बैक टू द एनवायरनमेंट बाय द of the producers and it is also released by the decomposition of organic and dead bodies of the decomposers. Burning of the wood and the fossil fuel also add large amount of the carbon dioxide in the side box. The balance of the carbon cycle has been upset by the human activities such as deforestation and excessive burning of. As a result, the amount of the carbon dioxide in the atmosphere increasing बढ़ रही है, causing the greenhouse effect and global warming. जिसके नतीजे में greenhouse effect भी हो रहा है और तो ये दोनों बातें हमने पढ़ ली बेटे. ये पूरा एक long question आपसे पूछा जाता है. ये पिछले पेज पे ना ये डायग्राम है इसकी. ऊपर हमारे पास एटमोसफेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फोटोसिंथेसिस की तो पौधों में आ गई, रेस्पिरेशन की तो वापस चली गई कार्बन डाइऑक्साइड. इसके अलावा एटमोसफेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटे वो पानी में भी हल हो जाती है. पानी में भी हल हो जाती है. तो पानी में भी जानदार है, वो भी फोटोसिंथेसिस करते नहीं करते, तो इसलिए उन्होंने पानी की कहानी बताई. तो पानी में फोटोसिंथेसिस, तो क्या पानी में जो जानदार है वो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे? जब वो रेस्पिरेशन करेंगे तो CO2 उड़ा के एटमॉस्फेयर में भेज देंगे. अच्छा इधर देखें, अगर वो लिविंग कंटेंट जो है अगर हम उनको जलाएं, लकड़ी जलाएं, कोयला जलाएं, पेट्रोल जलाएं इंडस्ट्रीज में, तो उनकी ऑक्सीडेशन से भी क्या बनेगी बेटे? CO2. अगर हम मर जाते हैं तो हम किसके पास जाएंगे? डीकम्पोजर्स के पास. तो वो हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे, तो हमारी बॉडी की कार्बन किस में उड़ा देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये दोबारा वापस कहाँ भेज देंगे बेटा? चाहे वो कम्बस्टन होके आए, चाहे वो डिकम्पोजिशन होके आए. बट इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.